इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। तांत्रिक क्रिया की आड़ में लोगों को गुमराह कर पैसे कमाने वाला भैरुपिया बाबा का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि ढोंगी बाबा धर्मेंद्र दास लंबे समय से तांत्रिक क्रिया की आड़ में गांजा बेचने का काम कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर वहां से करीब 2 किलो गांजा बरामद किया। वही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत नांदिया बिलहरा गाँव का भैरुपिया बाबा वो साके धाम का संचालक धर्मेंद्र दास असलियत में गांजा बेचता था। मंगलवार को पुलिस ने इसके ठिकाने पर दबिश देकर 2 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। बाबा के खिलाफ महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने की शिकायतें भी सामने आई है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ढोंगी बाबा लंबे समय से तांत्रिक क्रिया की आड़ में गांजा बेचने का काम कर रहा था। लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अब बाबा के उन चहेते लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, जो लोगों को भरमाकर और बाबा के चमत्कार के किस्से सुनाकर उन्हें नांदिया बिलहरा आने पर विवश कर देते थे। माना जा रहा है कि बाबा के इस कृत्य में उसके कुछ खास लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो उसके कृत्यों पर पर्दा डालने के साथ ही उसके दुष्कृत्यों के राजदार थे। कल इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर इस मामले में जांच प्रारंभ की गई और जांच के बाद जो तथाकथित आरोपी हैं उनके घर की सर्चिंग की गई। वहाँ पर गांजा बरामद हुआ है, उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसके बाद और भी तथ्य जो है जांच के दौरान निकल के आए हैं। उन सभी पे बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।